नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बहुत ही शानदार टॉपिक जो काफी लोग को क्लियर नहीं होता, बस इतनी सी बात रट लेते हैं MR² / 2 MR² क्या कैसे पता नहीं क्या सिग्निफिकेंस है। तो आज हम सब लोग करेंगे सेंट्रॉइड और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रॉइड का बेसिक कॉन्सेप्ट के 2 लेक्चर आपके डिटेल में हो चुके हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हमने कराई थी। आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कुछ सेंट्रॉइड का कवर करेंगे और उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक शुरू होगा। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, हमें क्या बताता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम ये जानना चाहेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताता है, किस किस पर डिपेंड होता है। उसी में एक टर्म आएगा रेडियस ऑफ जायरेशन। तो 2 बातें यहां पे, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैकेनिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए उतना इंपॉर्टेंट है। निकालना हमें बहुत डिटेल में आना चाहिए, सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट भी आना चाहिए, नॉन सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट आना चाहिए। तो इन सब चीजों में बातें आपकी ढेर सारी बातें होने वाली है। 2 थियरम्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सब लोग रट लेते हैं लेकिन हर एक पॉइंट के सिग्निफिकेंस को भी हम सब लोग जानेंगे कि कौन सा पॉइंट क्या बताता है, कहां से कितनी दूरी ली जाती है। तो आज का लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला, सब लोग पढ़ें, खूब जम के पढ़ें और खूब अच्छे से इस वीडियो को देखें, हर एक पॉइंट के पहलू हर एक नजरिए को देखें और समझने की कोशिश करें। इंजीनियरिंग सीख लीजिए सब लोग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम पूरा कराएंगे, यूट्यूब पे पूरा पूरा फ्री लेक्चर है, पूरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कराएंगे। अभी क्या है कि क्वेश्चंस उतने साथ नहीं हो पा रहे हैं, बाद में टॉपिक वाइज या कंबाइंड मैकेनिक्स के ढेर सारे क्वेश्चंस भी होंगे। फ्रिक्शन में हमने 8-10 सीरीज में क्वेश्चंस कराए आपको, फ्रिक्शन आपको आई थिंक क्लियर होगा, नहीं क्लियर तो अभी भी हम कुछ टॉपिक फिर लेके आएंगे फ्रिक्शन का, एक थ्योरी और भी होगी उसमें। तो ठीक है, हम सब लोग आगे बढ़ते हैं और नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। सेंट्रॉइड के कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए, थोड़ा और समझदारी डेवलप कर लीजिए, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि सेंट्रॉइड से पैरेलल एक्सिस थ्योरम जुड़ा हुआ है, सेंट्रॉइड से ही पैरेलल एक्सिस थ्योरम जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें पहले सेंट्रॉइड करना ही होता है। तो सेंट्रॉइड का बेसिक तो आपको क्लियर होगा, नहीं क्लियर है तो आप अपने पिछले वीडियोस में जाएं, मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट को खोलें, उसमें जो टॉपिक आपको क्लियर ना हो उसको ध्यान से देखें। पार्ट 1 पार्ट 2 बनाने का मतलब इसको सीक्वेंसली देखना है, पहले पार्ट 1 को देखें उसके बाद 2 को देखें, समझदारी बहुत आसानी से डेवलप हो जाएगी। एक बार मैकेनिक्स सीख लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट आसान लगेंगे। ठीक है, खैर पढ़ना तो सारे सब्जेक्ट पड़ेगा, इंपॉर्टेंस भी सारे सब्जेक्ट की हो सकता है इससे ज्यादा हो, अलग अलग एग्जाम का अपना एक अलग अलग वेटेज होता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। हाँ, अभी इसरो का पेपर हमने सॉल्व कराया, सारे क्वेश्चन आपको मैकेनिक्स से ही हमने करा दिए, तो 1 to 180 सारे क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए, तो आप सारे आंसर सारे डिटेल देख लीजिएगा इसरो का। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और रिक्वेस्ट है, आप सब लोगों को पसंद आए वीडियो तो लाइक करें और हमारे चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें और लोगों में शेयर करें, आप अपनी स्टडी को अपने नॉलेज को ढेर सारे लोगों में फैलाते रहें, अच्छा लगेगा, सुकून भी मिलेगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि मैक्सिमम लोगों तक हमारा नॉलेज पहुंच रहा है। ये पूरा यूट्यूब का पूरा चैनल ये फ्री है, आपको फ्री में सारी वीडियोज मिल रही हैं, तो फ्री में देख रहे हैं तो इतना आपका भी कर्तव्य बनता है कि इसको आगे फैलाएं। ठीक है, चलिए आगे हम सब लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िएगा। फाइंड डिस्टेंस वाई, बहुत लोग क्या सेंट्रॉइड के चक्कर में पड़े रहते हैं, बहुत लोग क्या रहते हैं सेंट्रॉइड, लेकिन यहाँ क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया है, तो अब हमें यहां पे क्या करना है, फाइंड डिस्टेंस वाई, वाई डिस्टेंस को पाना है, फाइंड डिस्टेंस वाई, सो दैट इस तरह से वाई का मान बताइए जिससे क्या हो जाए, सेंट्रॉइड ऑफ गिवन एरिया, सेंट्रॉइड ऑफ गिवन एरिया, ये गिवन एरिया है, यहां से बीच में मटेरियल निकाल लिया गया भाई, यही इतना बचा है, तो सेंट्रॉइड ऑफ गिवन एरिया हैज कोऑर्डिनेट ऑफ 25, 20, 25। अब देखिए ये इसके अबाउट सिमेट्रिक है,
अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये कंफर्म है कि एक्स कोऑर्डिनेट तो आधा 50 का आधा क्या होता है 25 होना ही होना है। अब कुछ एक्स कोऑर्डिनेट के पीछे पड़े, अरे भैया एक्स 25 होना ही होना है, सिमेट्रिक है, उससे वाई कुछ नहीं निकलने वाला, उससे वाई आपको कुछ नहीं देने वाला। तो इसलिए ध्यान रखिए हमें टारगेट क्या करना पड़ेगा, हमें वाई निकालना पड़े और वाई के लिए वाई कोऑर्डिनेट ये आपको निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट। अब इस तरह से आप करिए, इस तरह से आपको करना है, क्या करना है इसको, इस तरह से आपको करना है कि जिससे क्या हो कि जो आपका कोऑर्डिनेट आए, कोऑर्डिनेट जो आपका एक्स बार आए वो 25 आए, ये आना तय है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। वाई बार जो आए वो क्या आ जाए 20। तो फाइंड द डिस्टेंस वाई, वाई का मान आप बताइए जिससे कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड गिवन, सॉरी फाइंड द डिस्टेंस वाई सो दैट सेंट्रोइड ऑफ गिवन एरिया, इस गिवन एरिया का सेंट्रोइड हैज कोऑर्डिनेट ऑफ 20। तो अब वाई बार के लिए आप क्या करोगे, सर A1 Y1 माइनस, देखिए ये पूरा एक बार मान लेते हैं, एक बार क्या करते हैं पूरा मान लो, ये बड़ा आसान है इसलिए होता है, पूरा मान लो एक बार, पूरा मान लो A1 और एक बार ये जो निकला हुआ है उसको मान लो, जो निकला हुआ है उसको मान लो, आप सुनो कितना निकला हुआ है, तो निकला हुआ आप निकालेंगे तो निकला हुआ ये वाला एरिया है, ये एरिया आपका निकल गया है, तो ये रेड वाला A2 मान लो, A1 Y1 माइनस A2 Y2 अपान क्या करेंगे A1 माइनस A2, क्यों माइनस A2 क्यों A1, तो माइनस इसलिए क्योंकि निगेटिव है, माइनस इसलिए क्योंकि निगेटिव है। अब ध्यान दीजिएगा ये पूरा 50 है, तो अब A1 क्या होगा, A1 होगा 50 गुणे 50, क्योंकि भाई ये 50 ये 50 तो 50 गुणे 50 ये आ गया कितना 2500। अब इसी में बात करें Y1, तो भाई देखो पूरा जब एरिया होगा तो आधे आधे होगा, पूरा जो एरिया होगा तब क्या होगा आधे आधे, तो Y1 क्या होगा 25। इसको हमने दो पार्ट में तोड़ा, एक ऐसे बड़ा सा एरिया 50 और 50 का और एक छोटा सा एरिया ऐसे। अब इसमें A1 ये है और A2 ये है, A1 क्या होगा 50 गुणे 50, Y1 इसका बीच में, तो Y1 क्या होगा 25, A2 क्या होगा, तो A2 जो हो इसमें कितना दिया है 40 और 20, ये 40 है ना ये, और ये कितना दिया है 20, ये 40 आपका दिया है और ये क्या दिया है 20। नहीं समझ में आया, थोड़ा इसको ध्यान से देखें सब लोग, तो 40 दिया है और ये 20 होगा, ये 40 दिया और ये क्या होगा 20। तो अब आपको इसको ध्यान से करना पड़ेगा, चलिए तो ये 40 20, तो A2 क्या होगा 40 गुणे 20, A2 आपका जो होगा वो क्या होगा 40 गुणे 20, 40 और 20 का गुणनफल कितना आएगा 800, 4 2 8 और 2 0 800। अब क्वेश्चन ये है कि Y2 निकालिए, Y2 दूसरे वाले का आप निकालिए, तो Y2 क्या होगा, सर Y2 ये और जोड़ दे, नीचे से Y तो है ही 10, और क्यों 10, क्योंकि 20 था, तो 20 का आधा क्या होगा 10, 20 का आधा क्या होगा 10, 10 और जोड़ दिया जाए, बस हो गया क्वेश्चन। आप Y2 भी निकाल लिए, Y2 निकाले क्या आएगा Y+10, इसका सेंट्रोइड जो है वो क्या होगा यहां से Y+10, क्लियर हो गया, इसका पूरे का सेंट्रोइड जो था वो 25 पर था, तो अब यहां मान रख दीजिए Y बार इक्वल टू A1 क्या है 2500 और Y1 क्या है 25 माइनस A2 कितना, माइनस पहले लगा रखो 800 और ये क्या है Y+10 और ये A1 कितना है 2500 और ये कितना है 800, क्लियर हो गया ना सबको, ये 2500 और ये क्या है 800, ये 2500 और ये क्या है 800 है, लेकिन Y बार का मान दिया है, Y बार का मान कितना दिया है 20,
क्या y निकल जाएगा, क्या y निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, आपको क्या निकालना था कि y का वह मान निकालिए जिससे सेंट्रॉइड ये आ जाए। तो सर सेंट्रॉइड तो x कोऑर्डिनेट तो पक्का है 25 होना है क्योंकि इसके अबाउट सिमेट्रिक है तो इसी पर होना है। y कोऑर्डिनेट 20 लाना है, तो y कोऑर्डिनेट के लिए आपने क्या किया, a1 y1 minus a2 y2 upon a1 minus A2। अब A2 क्या होगा, तो A2 ये 40 और ये 20, 40 गुणे 20। अब इसकी Y2 क्या होगा, Y प्लस क्या होगा, Y प्लस 10। तो अब हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं, थोड़ा और आसान लगेगा, अच्छा लगेगा। चलिए देखिए, तो अब यहां से आप देखोगे तो इसका सेंट्रॉइड कितना दूर होगा, इसका सेंट्रॉइड कितना दूर होगा आपके लिहाज से। सर इसका सेंट्रॉइड जो होगा ये y प्लस 10 होगा, क्लियर हो गया। तो अपान ए वन माइनस ए टू सॉल्व भी करिए, सब लोग करिए, न्यूमेरिकल को आप सब लोग खुद भी करा करें, थोड़ा स्पीड में करने की आदत आ जाएगी। ठीक है, हम तो करा ही रहे हैं, आपको थोड़ी आदत अच्छी हो जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा। इस पे हम सब लोग और आगे बात करते हैं। अब वाई बार, तो ये 20 गुणे 25 मतलब 1700। अरे भाई 25 में से 800 चला गया, 17 8 25, तो 1700 गुणे, अब यहां से 25 सुन्ना सुन्ना 25 पंचे 625 हो गया ना, अरे सुन सुन 25% 625 माइनस क्या होगा 800y और माइनस 8000, बस हो गया माइनस 800y और क्या हो गया फिर 8000। तो माइनस 800y और 8000 आपने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो 17 दुना 34000 हो जाएगा, 17 दुना 34000 और ये 62500 है, 62500 और उसमें 8000 चला गया है, 62500 में से भी 8000 क्या है चला गया है। अब आपका 8000 जब चला गया है तो ये कितना हुआ, 17 दुना 34000, ये कितना हुआ आपका 17 दुना 34000, 34000 और ये 62500 माइनस 8000, 8000 और माइनस 800y, 800y जो होगा ये 62 में से 8 गए थे, कितना 54 8 62 होता है, तो ये आएगा 54500 माइनस 34000। तो वाई जब आएगा, वाई जो आएगा 54500 34000 निकाल दो तो 20500 बटे 800, ये ऐसे ऐसे काट लेंगे और 8 8 दुनी 16 8 5 40 और 8 पंच फिर क्या होगा 8 6 48 और 8 2 16 8 5 40, तो ये आएगा 25.625। कर लीजिएगा, सुन सुन कट गया, 8 का आप देखेंगे तो 8 2 16 4 आया, 8 5 40 और फिर आपका 5 बचा, तो 8 6 48 2 बचा और फिर इसके 8 2 16 और 8 5 40, तो y जो आ गया आपका y कितना आया 25.625, जो भी डायमेंशन mm था तो mm। अगर आप y इक्वल टू 25.625 लेंगे, अगर y इक्वल टू 25.625 लेंगे तो उस समय आपका सेंट्रॉइड 2520 आएगा, क्लियर। अब इस क्वेश्चन को करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, फाइंड द सेंट्रॉइड, ये आपका शेडेड एरिया है, ये बीच में आपने ये प्लेट निकाल लिया, एक बड़ा सा सर्कुलर प्लेट था उसको आपने निकाल लिया, तो फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ फॉलोइंग शेडेड प्लेन, इस गिवन शेडेड प्लेन का आपको सेंट्रॉइड निकाल। अब ध्यान दीजिए, ये इसके अबाउट सिमेट्रिक है, देख के बताइए भाई, जैसे आपको इस पार वैसे आपको इस पार, तो ये इसके अबाउट क्या है सिमेट्रिक है, अगर ये सिमेट्रिक है तो सेंट्रॉइड इसी पर कहीं हो। अब ये भी कंफर्म है कि यहां से मैट्रिक निकालो तो इस साइड आएगा,
इस साइड भारे वाली साइड आएगा। चलो तो अब आपको यहां पे क्या निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी जीरो होगा। एक्स एक्सिस पर वाई का मान क्या होता है, जीरो होता है, तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या करोगे, ए वन एक्स वन, और माइनस है क्योंकि यहां पर एक घट रहा है, ए टू एक्स टू अपान ए वन माइनस ए टू। अब क्वेश्चन ये कि a1 कितना होगा भाई, इसका रेडियस, अगर इसका डायमीटर 12 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 12, इसका रेडियस 12 हो जाएगा। अगर उसका डायमीटर 12 है, क्योंकि ये लंबाई और ये लंबाई दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। अब इसमें अगर हम a1 का मान निकालें तो पाई इंटू 12 स्क्वायर, ए टू का मान अगर हम निकालें, यहां पर अगर हम अगर वह सॉरी एक्स वन का मान निकालें तो एक्स वन क्या आने वाला, जीरो, क्योंकि बड़ी सर्किल का सेंट्रॉइड कहाँ होगा, यहीं पर, तो जो आपका एक्स वन आने वाला हो क्या होगा, जीरो। क्लियर है। अब इसमें अगर छोटे सर्किल की बात करें तो छोटा सर्किल आपका क्या आएगा, छोटा सर्किल का ए टू जो आएगा वो पाई इंटू सिक्स स्क्वायर आएगा। कैसे सिक्स, क्योंकि भाई इसका डायमीटर 12 है तो रेडियस 6 होगा, डायमीटर 12 तो रेडियस 6 होगा, और इसका सेंट्रोइड कहां पर होगा, 6 पर। इसका एक्स टू जो होगा वो क्या होगा, 6। सब निकल गया आपका, सब कुछ सॉल्व हो गया, ए वन पूरे वाले का पाई आर स्क्वायर, और फिर इसके बाद एक्स वन, और उसके बाद क्या हो गया, एक्स वन जीरो हो गया, ए टू पाई इंटू सिक्स स्क्वायर, और एक्स टू क्या हो गया, 6.0, तो 6 हो गया। अब यहां रख दीजिए तो एक्स बार जो होगा वो पाई इंटू 12 स्क्वायर इंटू जीरो इंटू जीरो माइनस पाई इंटू 6 स्क्वायर इंटू 6 अपान क्या होगा, पाई इंटू 12 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ये तो जीरो हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसके आगे आप आसानी से कर सकते हैं, एक्स बार क्या आएगा, माइनस पाई इंटू 6 क्यूब अपन पाई इंटू 12 स्क्वायर, पाई होगा यहां पे क्योंकि एरिया पाई इंटू, तो 12 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 12 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, और माइनस में आंसर है, पाई पाई कट जाएगा, तो यहां से एक्स बार आएगा 6 + 36 = 216 माइनस 216 और 144 माइनस 36 तो ये माइनस 216 और 144 में से 36 गए 108, ये क्या आएगा, माइनस 2, क्या आएगा, माइनस 2 आगे जो भी रहा हो, तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो कहां पर होगा, यहां पर -2.0 -2.0, बात समझ में आ रही है। तो इसका सेंट्रोइड हम लोग को पहले भी अगर मतलब वैसे अगर हम बेसिक तरीके से सीखते तो सर क्या था कि सेंट्रोइड अगर पूरा भरा हो, पूरा भरा मटेरियल हो तो यहां सेंटर पर होता, इस साइड का मटेरियल आपने हटा दिया, इस टाइप का एरिया हटा दिया तो भारी साइड की तरफ वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ये तो सबको मालूम है। तो सेंट्रोइड ए इस पर तो होगा ही होगा, सिमेट्रिक एक्सिस है इस पर तो होगा ही, पर इसी साइड शिफ्ट होगा, और कितना निकल के आया सेंट्रोइड, सेंट्रोइड आपका क्या निकल के आया, -2.0। तो मतलब पहले भी हमें पता था कि इधर ही होगा, निगेटिव भी आएगा इस तरह से, इस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम में निगेटिव ही आएगा, पर आ गया कितना, -2.0। अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकेट द सेंट्रोइड ऑफ द गिवन फिगर, ये दिया गया फिगर इसका सेंट्रोइड, जब कभी कोई भी फिगर देखें तो पहला टारगेट सिमेट्रिक एक्सिस ढूंढने की कोशिश करें, अगर आपको एक से अधिक सिमेट्रिक एक्सिस मिल जाए तो उन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही सेंट्रोइड होगा। प्रॉपर्टीज सारी हमने डिटेल में कराई है, उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे इसमें देख रहे होंगे कि इस एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है, इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, अगर इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक सेंट्रोइड इसी पर होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। अब हमें पक्का, हम इसी को एक्स वाई मानेंगे, एक को ये वाई मान लिए, जिससे क्या हुआ कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का झंझट खत्म। अब यहां पर ही कहीं कुछ दूरी पर, मान लीजिए कि वाई बार दूरी पर, यहां पर आपका सेंट्रोइड यहां कहीं होगा, इसी लाइन पर होगा, ये तो कंफर्म है, पर कितनी ऊंचाई पर होगा ये निकालना है।
अगर इससे अधिक, एक से अधिक सिमेट्रिक एक्सिस होता तो इंटरसेक्टिंग। अब इसको ध्यान दीजिए, और कोई एक ऐसा एक्सिस नहीं है जिसके अबाउट ही सिमेट्रिक हो, नहीं तो हम आसानी से कर लेते। अब इसमें आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो दो पार्ट में है, दो पार्ट है, तो y बार क्या होगा, y बार आपका होगा a1 y1 प्लस a2 y2 और अपान क्या होगा a1 प्लस a2 अपान a1 प्लस a2। अब a1 अगर हम बात करें तो a1 क्या आएगा, 150 गुणे 10 mm स्क्वायर, 150 गुणे 10 mm स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। और ऐसे अगर हम इसका y1 निकालना चाहें, यहां रू बॉटम से सारे आंसर्स होंगे, नापने का एक ही जगह, तो यहां से 140 तो जाना ही जाना है, 5 और जाना है, तो इसका जो सेंट्रोइड होगा इस पहले पार्ट का क्या होगा, 145 mm। कोई डाउट तो नहीं ना, 140 और 5 और 145। ऐसे A2 की बात करें तो A2 जो आएगा वो 140 गुणे 10 mm स्क्वायर, 140 ये और 10 ये, तो कितना आएगा A2, A2 आपका आएगा 1400 mm स्क्वायर। और Y2 की बात करें तो Y2 क्या होगा, Y2 यहां से रूट से निकालोगे 140 का आधा क्या होगा, 70 mm। अब वैल्यू वहां पर रखते चले जाइए तो आपको Y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इसको आप सब लोग कॉपी कर लें, सब लोग समझदारी से। तो अब हम सब लोग इस पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। y बार a1 y1 a2 y2 सब हम निकाल चुके हैं, सब हम क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, तो अब हम y बार निकालेंगे। तो y बार के लिए a1 का मतलब 1500, अरे 150 गुणे 10, और y1 क्या है 145, y1 क्या है 145, a2 कितना है, a2 है 1400, A2 कितना है 1400, और Y2 क्या है 70, Y2 कितना है 70, और फिर यहां पर 1500 और यहां पर क्या है 1400 mm। इसमें आएगा आंसर mm में, क्लियर है। A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपान, अब इसमें प्लस क्यों किया गया, क्योंकि ये जो कंबाइंड फिगर है इन दोनों का योगफल है, इन दोनों का योगफल है, तो जो y बार आएगा शून्य शून्य काट दो तो आएगा 15 गुणे 145 और यहां पे क्या आएगा 14 गुणे 70 बटे क्या, 15 14 29 mm। तो कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करिएगा, आपको ये फाइनल मिल जाएगा, फाइनल y बार जो आने वाला आंसर दिया भी गया है इस बार, तो आंसर आप निकाल लेंगे कितना होगा फाइनल, फाइनल कितना होगा आप बताइए, सब लोग बताइए, तो कितना होगा 41.21। कितना आसान क्वेश्चन था, तो y बार जो है वो बॉटम से 41.21 mm ऊपर होगा, कहां से, बॉटम से। अब यही कोई टॉप से पूछ ले तो टॉप से दूरी इसकी, अगर यहां से आपका आया 41.21 mm, अगर यहां से आया 41.21 mm, सॉरी ये गलत है, 41.21 नहीं आएगा, 41.21 आपका टॉप से हो सकता है, तो ये कैलकुलेशन आप करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन आप करेंगे। इसके बाद इस कैलकुलेशन को आप करने के बाद आपको y बार मिलेगा, तो ये ध्यान रखिए कैसे 41.2n कैसे नहीं आएगा। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट, देखिए कैसे नहीं आएगा, आपने सर इतना ऑब्जर्व कर, सर देखिए जो भी होगा इसके सेंट्रोइड से तो ऊपर ही y बार होगा, क्योंकि इधर भारी है, अगर यही केवल होता तो 70 आता, यही केवल होता तो 70 आता, 70 से तो ज्यादा ही आंसर आने वाला है। तो अब गुणा कर लेते हैं सब लोग, 15 गुणे 145 देन 14 गुणे 70 और बट्टे क्या करेंगे 29, तो आपका आएगा 108.79। ये आंसर गलत दिया हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये आंसर आपका गलत दिया हुआ है, इसको मार्क करिए, ये गलत है, ठीक है। तो अब इसको आप इन्हीं की कॉपी करने लगे, y बार जो आएगा वो आएगा 108.8 mm,
रेड है बता रहा है इंडिकेटर ये गलत है। अरे यार ये गलत पहले से भी बताया जा सकता था कि 70 से तो ऊपर ही उधर ही तरफ शिफ्ट होगा ना, तो 108.8 ये वाई बार जो आया वो क्या है 108.8 mm। लेकिन अगर यही टॉप से पूछा जाए, यही आपका टॉप से पूछा जाए टॉप से, तो ये कितना ऊपर कितना ओवरऑल कितना है? ये आ गया आपका कितना आ गया 108.8 mm। अब ये अगर 108 टॉप से कितना है 140 10 150, तो 150 में से 108 अगर घटा दें तो ऊपर से आएगा वही 41.2। बात समझ में आ रही है ना? तो 41.2 कहां से आएगा? 41.2 आएगा टॉप से। ये ध्यान रखिएगा रेफरेंस कहां से, अब एक्स नीचे माना गया तो नीचे से वाई बार आपने बताया, टॉप से 150 में से, टॉप से अगर ये क्या है फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम बॉटम बॉटम से है। अगर यही टॉप से पूछा जाए तो टॉप से क्या होगा, टॉप से कितना नीचे? तो आप कहेंगे सर 150 पूरा है उसमें से 108.8 घटा दिया जाए, 108.8 घटा दिया जाए तो टॉप से जो आएगा वो आएगा 41.2। अरे 41.2 41.950 तो 41.2 क्लियर हो गया। तो ये टॉप से आंसर दिया गया था जबकि बॉटम से, तो एक्सिस जो डिफाइन की गई उससे आंसर हम करेंगे, कोई बात नहीं है यहीं पर है तो यहीं पर नीचे से देखेंगे कुछ और दूरी होगी, ऊपर से देखेंगे कुछ और दूरी होगी। तो अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का एक साथ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होता है? सर दोनों डायगोनल का कटान बिंदु होता है, क्योंकि दोनों डायगोनल के अबाउट एसिमेट्रिक, दोनों डायगोनल का कटान बिंदु, तो इज द इंटरसेक्टिंग ऑफ इट्स डायगोनल्स। ये क्या हो गया पी का, आपको ये मैच कराते हैं बहुत बड़ा पार्ट है इसलिए पी का क्या हो गया 2। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल अगर हम बात करें तो सर अगर ये हाइट h है तो यहां से ये क्या होता है h/3 दूरी पर। और एक दूसरा भी हम आपको बता दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है, तो यहां से मीडियन, मीडियन को जो कटान बिंदु होता है, जो इनकी माध्यिकाओं का कटान बिंदु, अब कोई भी अगर ट्रायंगल है उसकी सामने वाली भुजी के भुजा के मध्य बिंदु से अगर शीर्ष को मिलाएंगे, ऐसे यहां से शीर्ष से इसके मध्य बिंदु को, तो यही आपकी माध्यिका कहलाती है, और माध्यिकाएं जहां कट करती हैं वही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या शेप है तो सेंट्रॉइड होता है। माध्यिकाएं जहां कट करती हैं वो h/3 आता है, ठीक है। तो क्या होगा, क्या होगा सेंटर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल इज एट इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, इज एट इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, तो क्यू का क्या हो गया 5 माध्यिकाओं के कटान बिंदु। अगला सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सर्किल, तो किसी भी सर्किल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा, सेंटर पर होगा एज इट सेंटर, तो आर का क्या हो गया 1, आर का क्या हो गया 1। देखिए दो तीन मिलाते एक दो भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं। सेमी सर्किल का, तो सेमी सर्किल का जो होता है वो आपको हम बता भी चुके हैं 4r/3π ऊंचाई पर, ऐसे सेमी सर्किल है बॉटम से कहां पर 4r/3π, 4r/3π ऊंचाई पर, तो क्या होगा इज एट द 4r/3π, 4r/3π फ्रॉम इट्स बेस, फ्रॉम इट्स टॉप से नहीं बेस से, अगर टॉप से पूछा तो r-4r/3π, तो यहां से नहीं यहां से, थोड़ा यही सब ध्यान देना यार क्वेश्चन में कभी कभी ट्विस्ट हो जाता है, तो कहां से 4r/3π फ्रॉम इट्स बेस अलोंग द वर्टिकल रेडियस, तो जो वर्टिकल रेडियस है उसके अलोंग 4r/3π, तो s का आपका क्या हो गया 3, s का क्या हो गया 3। ऐसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमिस्फेयर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमिस्फेयर ऐसे भरा हुआ है हेमिस्फेयर, तो इसका जो होता है वो 4r/3 नहीं होता, इसका होता है 3r/8 दूरी पर, 3r/8 दूरी पर, ये क्या होगा 3r/8 दूरी पर, तो एट इट 3r/8 फ्रॉम इट्स बेस अलोंग द वर्टिकल रेडियस, जो रेडियस होने वाला है वो वर्टिकल तिरछा नहीं, इसी पर कितनी दूरी पर 3r/8 दूरी पर, तो आपका टी का क्या हो गया PQR ST, टी का क्या हो गया, टी का आया 6।
सर टी का आया 6, बात समझ 25136, 25136 और 4, कोई दिक्कत नहीं। अगला पढ़ भी लेते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन, इसका ये क्या हो, सर्कुलर होती है, क्या होता है सॉलिड अगर है तो इस केस में क्या होगा h बाई फोर, कितनी दूरी पर होगा, इज एट कहां h बाई फोर फ्रॉम इस बेस अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस पर h बाई फोर दूरी पर। तो मैच करा लिए ना सब लोग, ये आप देख लीजिए ए पार्ट हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, पी क्यू आर एच टी यू सारे पार्ट हो गए, कुर्मी का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन, समझदारी अगर है तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, बहुत समझदारी। फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड, अब इसको अगर हम देखें तो सर हमें इसके अबाउट ही सिमेट्रिक दिख रहा है, इसी के अबाउट क्या है सिमेट्रिक, इसके अबाउट सिमेट्रिक है तो इसी पर कहीं होगा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट जीरो होने वाला है, वाई कोऑर्डिनेट ना ऊपर ना नीचे, तो वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो, तो सर वाई कोऑर्डिनेट तो दो जगह यहां यहां दो जगह जीरो। अब इसमें आप देखिए ये एक मानेंगे पहले और फिर ऐसे एक सेमी सर्किल मानेंगे, ये वन है और ये टू है, वन माइनस टू कर दो ये शेप मिल जाए, वन माइनस टू कर दो ये क्या है शेप मिल जाए। अब वन यहां वन अगर होता तो 50 पर आता, पूरा अगर भरा होता, पूरा भरा होता तो 50 पर आता, अगर उधर से थोड़ा निकाल ले गए हो तो 50 से कम आंसर होगा, लेकिन निगेटिव तो नहीं होगा ना, होगा तो इसी पर कहीं, तो निगेटिव क्योंकि इधर तो कोई नहीं है, तो पूरा निकाल लेते तो जीरो आ जाता, लेकिन कुछ ही निकाले हो तो थोड़ा 50 से कम आंसर होगा, तो 50 से कम थोड़ा क्या पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव ही होगा, उधर ही होगा, इधर नहीं होगा तो उधर होगा, तो आप खुद बता दिए सर 50 से कम होगा और पॉजिटिव होगा, तो इसमें आंसर एक ही है, कौन सा है 40.4। अब किसी की नहीं दृढ़ इच्छा है कि हम करेंगे तो कुछ नहीं करना है, एक्स बार इक्वल टू ए वन एक्स वन माइनस ए टू एक्स टू अपॉन ए वन माइनस ए टू। अब ए वन क्या होगा, ए वन होगा 100 इंटू 50 क्योंकि ये 100 है और ये क्या है 50, एक्स वन जो होगा वो क्या होगा 50 क्योंकि इसका यहां से देखोगे तो 50, ऐसे ए टू निकालोगे तो ये होगा पाई बाई टू आर, आर का मतलब 25 होगा ना, इसका रेडियस 25 होगा कि नहीं, अरे भाई ये पूरा डायमीटर, डायमीटर आपका 50 है तो रेडियस 25 होगा और आधा पाई बाई टू 25 स्क्वायर, क्लियर है। और ऐसे अगर हम x2 निकालें तो x2 जो आएगा 100 माइनस 4 आर अपान 3 पाई, अरे भाई ये पूरा 100 है उसमें से कितना जाएगा, कितना जाए 4 आर अपान 3 पाई और r क्या है 6, इतना गुणा भाग करोगे वहां रखोगे, x2 जो आएगा यहां से आपका भैया 4 आर अपान 3 पाई ही तो होता है और 4 आर अपान 3 पाई 100 में से घटाओगे तो x कोऑर्डिनेट मिलेगा, यहां x2 a1 x1 a2 x2 सब निकालेंगे तब भी यही मिलने वाला है, और समझदारी से तो निगेटिव तो नहीं, समझदारी से आंसर कर दिए, सी पार्ट करके निकल लिए, जिसका मन देगा वो कैलकुलेशन यहां पुट करेगा, कैलकुलेटर से करेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत आसान भी है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। तो ध्यान रखिए, इसको देखते ही फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ गिवन शेडेड एरिया, कोई एक शेडेड एरिया आपको दिया गया है, इसका सेंट्रॉइड आपसे पूछा गया। अब बताइए सर इसके अबाउट अगर हम देखते हैं तो पहले हम सिमेट्रिक एक्सिस, जैसा इस पार वैसा इस पार, कितना अच्छा सर इसी पर होगा। ऐसे अगर हम इसके अबाउट देखते, इसके अबाउट, ऐसे अगर हम इसके अबाउट देखते तो भी हमें उस पार और इस पार दोनों क्या मिलता, सेम गिवन शेडेड एरिया। तो इस पार उस पार दोनों से, मतलब इस पर भी ये होगा इस पर, मतलब यही तो सेंट्रॉइड होगा, और इसका अगर हम एक्सिस ये दिए हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 25.0 क्योंकि 50 का आधा 25, दो सिमेट्रिक एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही आपका क्या होता है सेंट्रॉइड। तो 50 का आधा क्या हो गया 25, तो 25.0 दिया, हाँ बिल्कुल 25.0।
क्लियर हुआ सबको? तो ये गलत है, ये सी नहीं होगा। ध्यान रखिए 50 का आधा 25 और ये 90-90 अगर है गिवन शेडेड एरिया तो इसके अबाउट भी सिमेट्रिक है, इसके अबाउट भी सिमेट्रिक है। और अगर ऐसा है, अगर ये सिमेट्रिक है तो ये 25.0 पर होगा, यहीं पर होगा। x और y, ये x तो y तो 0 होगा और x क्या होगा 50 का आधा। कुल पूरा एरिया मानेंगे, एक स्क्वायर मानेंगे और पूरे एरिया और स्क्वायर दोनों का आप निकालेंगे, कोऑर्डिनेट यही आने वाला है। खैर तो चलिए अब अगला हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्सिया के बारे में जानते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्सिया के बारे में बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत अच्छी समझदारी डेवलप करना है। जैसे अब इसको तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, डिफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, शुरुआत होती कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया आया कहां से, बात कहां से हुई। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक ब्लॉक है, कोई एक ब्लॉक है, इसको अगर हम फोर्स लगाते हैं तो ये मोशन करना चाहेगा। ऐसे कोई भारी ब्लॉक है, बहुत बड़ा ब्लॉक है, बहुत बड़ा ब्लॉक है, इस पर अगर हम फोर्स लगाएं तो ये भी मोशन करना चाहेगा। अब आप बताइएगा एकदम सोच के, पहले क्या है कि इसको प्रैक्टिकली हम लोग सोचेंगे समझेंगे फिर मोमेंट ऑफ इनर्सिया देखेंगे। तो आपके पास एक छोटा ब्लॉक है, एक बड़ा ब्लॉक है, दोनों को मोशन कराना है। एक आपका छोटा बक्सा है, एक बड़ा वाला बॉक्स है, तो अब दोनों को अगर मोशन कराना है किसको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा? सर ये बड़ा है तो इसको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, बड़े वाले को ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि इसका मास अधिक है। अब देखिए न्यूटन का पहला नियम यही था कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में बना रहना चाहती, अगर कोई स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी बने रह, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर के जब फोर्स सिस्टम को पढ़ाया है उसमें बताया है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत शानदार वो भी था। तो अगर मैकेनिक्स की थ्योरी वाला आप चैप्टर देखते हैं प्लेलिस्ट में जाइए, थ्योरी वाला पहला लेक्चर पढ़िए, फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम में हमने बहुत डिटेल में न्यूटन्स के लॉ को कराया, ठीक है। तो अब ये बड़ा है ज्यादा बल, क्योंकि सब दोनों रुके हुए हैं, दोनों रुके रहना चाहेंगे जब तक कि उस पर क्या कोई बल ना लगाया जाए। अब ये है कि दोनों पर बल लगाया जाए लेकिन विरोध कौन ज्यादा कौन कम, कि दोनों बराबर, कौन ज्यादा विरोध करेगा? तो जिसका भार ज्यादा है वो ज्यादा विरोध करेगा, जो बड़ा है, बड़ा का मतलब मास ज्यादा है। तो एक टर्म आता है इनर्सिया। इनर्सिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। इनर्सिया कोई किसी भी बॉडी की इनर्सिया वह प्रॉपर्टी है जो उसके चेंज का विरोध करता, बस जैसे हैं भैया वैसे हम बना रहना चाहते, इसलिए फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्सिया भी कहते हैं। तो अब इसमें क्या है कि कैसे नापें, 4 लीटर इनर्सिया की 5 लीटर इनर्सिया है तो कैसे नापे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। तो यहां पर मास से, इनर्सिया को हम मास से मेजर करते हैं, इनर्सिया को हम क्या करते हैं मास से मेजर करते। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी और जिसका मास कम होगा उसकी रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी भी कम होगी। तो हम यहां पर जिसका मास ज्यादा होगा उसको ढकेलना कठिन होगा, जो हल्का होगा उसको ढकेलना आसान होगा, ये सिंपल सा था। लेकिन यही बात बदल गई, यही बात आपकी क्या हो गई, बदल गई। अब आपने कहा कि नहीं नहीं हमें यह चाहिए, हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, एक बड़ा सा सॉलिड स्फीयर है, भरा हुआ स्फीयर, बड़ा सा सॉलिड स्फीयर, बाहुबली वाला स्फीयर, गोला मार दे, और एक छोटा सा सॉलिड वाला स्फीयर। यार दोनों तुलना करो तो भाई बराबर का मौका ही दो, चलो बराबर का मौका दे दिया। 2 बड़े बड़े आपके सॉलिड स्फीयर, दोनों का मास है जो समान है, लेकिन एक का पूरा मास कहां है, बाहर ही रखा हुआ, रिम पर है इसके, ये एक कैविटी है, बस ये बाहर बहुत भरा हुआ है, बाहर मटेरियल भरा हुआ है। अब इसको अगर हमें रोल कराना हो,
जैसे बैठे थे घर पे पुलिया पे, ऐसे ढकेल रहे, इसको ढकेले, अगर ढकेले तो ऐसे घूमना चाहेगा, ऐसे इसको ढकेले, यहां पर इसको ढकेले, इसको ढकेले। अब अगर हम देखें एक दोनों का मास समान है, लेकिन एक का मास पूरे वॉल्यूम में है और एक का मास सिर्फ और सिर्फ पेरिफेरी पर है, ध्यान रखिएगा। तो अगर पूरे वॉल्यूम में है और सिर्फ पेरिफेरी पे है, दोनों को हम रोटेट करना चाहते हैं, रोल कराना चाहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन का लोगों ने कहा है तो रोलिंग फ्रिक्शन भी कराएंगे, तो रोल अगर कराना चाहते हैं, इसको हम आसानी से रोल करा ले गए और इसको थोड़ा ज्यादा बल लगाना, कोई चीज सब कुछ रेडियस से, मैं बस ये कि बाहर हो सकती इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, बाहर बाहर इसका मटेरियल है, मास दोनों का सेम है, तो इसको रोल कराने में और इसको रोल कराने में इसमें ज्यादा बल लगाना पड़ा। इसका मतलब क्या है कि इसका रोल का रजिस्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, ये रोलिंग को विरोध ज्यादा कर रहा है और ये रोलिंग का विरोध कम कर रहा है। ऐसे मान लीजिए कि अगर हमें कोई एक रॉड है, कोई एक आपका रॉड है और ये ऐसे हैंग है, ये यहां पर क्या है, हैंग है, इसको हमें घुमाना है। तो जब आपको घुमाना है तो ध्यान रखिए कि हम जो एक्सिस जिस पर ये हैंग है उस पर बल लगाएंगे तो नहीं घूमेगा, इस पर बल लगाएंगे तो नहीं घूमेगा, इससे हमें कुछ दूर बल लगाना पड़ेगा तभी ये घूम सकता है, घूमेगा नहीं घूमेगा ये बात का विषय है। पर अगर हम इस सेंटर मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से होकर जाने वाला लाइन ही एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर बल लगाएं, चाहे हम जितना बल लगा दें 1000 न्यूटन लगा दें, 20000 न्यूटन लगा दें, कुछ भी, लेकिन ये रोटेट नहीं, रोटेट कराने के लिए। अब सोचिए यहां पर खड़े होकर पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, 2 न्यूटन का ही लगाए, यहां से पूछे तो ये 2 न्यूटन क्या कर रहा है, इससे कुछ दूर है तो एक मूवमेंट डेवलप कर रहा है, और अगर ये टर्निंग के लिए स्वतंत्र है तो ये इसके अबाउट रोटेट हो सकता है, बात समझे। तो 2 न्यूटन का बल अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ दूर लगाया गया तो वो इसको घुमाने के लिए सक्षम है। अब यही चीज इसको घुमाने के लिए इसने कहा कि हमें 10 न्यूटन मीटर इतना इतना मोमेंट तो चाहिए चाहिए। तो आप 2 का लगाएंगे तो कितना दूर लगाएंगे, 5 मीटर लगाएंगे, 5 मीटर दूरी पर लगाएंगे मोमेंट का। हमने चैप्टर बहुत डिटेल में किया है, सिर्फ मोमेंट का चैप्टर आप अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में जाएं और मोमेंट का चैप्टर बहुत शानदार हुआ है, एरिया का मोमेंट, मास का मोमेंट, सब कुछ हमने बहुत डिटेल में कराया है, ठीक है, तो उसको भी देख लीजिएगा। अब हमें 10 न्यूटन मीटर चाहिए तो कैसे, 5 × 2 करेंगे 10 न्यूटन मीटर। अब अगर नहीं, किसी ने कहा नहीं हम दूर लगाएंगे, तो जब वो दूर लगाएगा तो उसे 2 से भी कम बल लगाना पड़ेगा, 2 न्यूटन से भी कम बल लगाना पड़ेगा, बात समझ, मतलब इसी के अबाउट इस रॉड को रोटेट कराना है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग बल लगाने से घूम जा रहा है। हाँ, सेंटर पर अगर लगाओ तो लगाते रह जाओगे, मूवमेंट डेवलप ही नहीं होगा, रोटेट नहीं करेगा, और अगर आप दूर रहोगे तो कम बल लगाना पड़ेगा, अगर पास लगाओगे तो ज्यादा बल लगाना, मतलब क्या है, मतलब क्या है कि उसी मेंबर का अलग अलग पॉइंट्स पर रोटेट करने के लिए कम बलों की जरूरत है या ज्यादा बलों की जरूरत है, अलग अलग बलों की जरूरत है। इसका मतलब ये जो मास का इसका डिस्ट्रीब्यूशन है ये इसके रोटेशन के प्रभाव को इफेक्ट करता है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन, मास किस तरह से बटा हुआ है, तो यही से एक शुरू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का वह प्रॉपर्टी है जो उसके रोटेशनल मोशन का विरोध करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का वह मतलब किसी भी बॉडी का वह प्रॉपर्टी है जो उसके रोटेशनल मोशन का विरोध करता। मतलब क्या है कि अगर आपने 2 एलिमेंट को घुमाना है, 2 एलिमेंट को किसी एक एक्सिस के अबाउट घुमाना है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसको घुमाना कठिन होगा,
जिसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया कम होगा, मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया कम होगा, उसको घुमाना आसान होगा। ये ध्यान रखिएगा। तो मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया रोटेशनल मोशन को रेजिस्ट करता है। इसका उल्टा भी, इसका कन्वर्स, इसका ध्यान दीजिए। अगर दो बॉडीज हैं जो सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही हैं, अगर दो बॉडीज हैं जो सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही हैं, जो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया ज्यादा होगा उसको रोकने के लिए ज्यादा मोमेंट लगाना पड़ेगा, ज्यादा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तब जाके रुकेगा। और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया कम होगा उसका रोकना आसान होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने रोटेशनल मोशन के चेंज होने की प्रॉपर्टी को रेजिस्ट करेगा। अब इसके डिफिनीशन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी दिए गए घूर्णन अक्ष के परिता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसी में अगर आप इसको बहुत आसानी समझिए, अगर ये पिन यहां के बजाय कहीं और लगा हो, अगर यही पिन एंड के बजाय कहीं और बीच में लगा होता, बार वही है, अगर यहां पर पिन लगा होता, रॉड ऐसे आधा आधा बीच में हमने पिन कर दिया, तो अगर यहां बीच में पिन किए, अब रोटेट करने की टेंडेंसी अलग होगी, रोटेशन को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी अलग होगी। पहले एंड के अबाउट घुमाना था, अब बीच के अबाउट, तो कुछ ऊपर पोर्शन है कुछ नीचे पोर्शन है, तो अब रोटेट कराने की टेंडेंसी के लिए रिक्वायर्ड जो बल है वो और कुछ अलग लगेगा। तो इसलिए एक्सिस बोलना जरूरी है किसी भी अक्ष के परिता मोमेंट ऑफ इनर्सिया। जब तक आप एक्सिस नहीं बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्सिया डिफाइंड नहीं है, क्योंकि अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया अलग अलग होता है। अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होगा? अलग अलग होगा। तो किसी दिए गए अक्ष के परिता, किसी भी दिए गए अक्ष के परिता, किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण, किसी भी पिंड का मोमेंट ऑफ इनर्सिया उसके कणों के द्रव्यमान और घूर्णन एक्सिस से कणों की संगत दूरियों के वर्ग के गुणनफल का योगफल है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये हम मास M1 मान ले और ये मास M2 मान ले, ऐसे ढेर सारे मास से मिलकर बना होगा ना, ढेर सारे पार्टिकल से मिलकर बॉडी बना होगा। अब ये एक्सिस है, तो एक्सिस से इसकी दूरी R1, इसकी दूरी R2 और सबकी दूरी R3, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होगा? M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी दिए गए घूर्णन अक्ष के परिता, किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया उसके कणों जो जिससे मिलकर वो बना है उनके कणों के द्रव्यमान और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी के वर्ग के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। क्या बोला हमने? मोमेंट ऑफ इनर्सिया किसी भी एक्सिस के अबाउट क्या है? मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल की दूरी के स्क्वायर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल की दूरी के स्क्वायर का गुणनफल और सबका क्या है? योगफल, सबके योगफल के बराबर होता है। तो किसी दिए गए घूर्णन अक्ष के परिता, किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण, उसके कणों के द्रव्यमान और घूर्णन एक्सिस से संगत दूरियों के वर्ग के गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल का योगफल है। इस प्रकार ये वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष उसके द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर करेगा, मास और मास डिस्ट्रीब्यूशन पर निर्भर करेगा। देखिए, अगर आप इसी में जैसे ये रॉड था, रॉड में आप यूनिफॉर्म मास का डिस्ट्रीब्यूशन कर या पतला सा बना के यहां एंड पर मास को लटका दें, तो इसका इसी एक्सिस के अबाउट मास दोनों का सेम है, लेकिन हमने एक जगह पूरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया और एक जगह पतला सा रॉड लगा के एंड पर मास लटका दिया, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्सिया अलग अलग होगा। दोनों का इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया अलग अलग होगा, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके का, मास वही है, सेम मास है पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन
अलग अलग है। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया मास पर तो डिपेंड करेगा ही, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगा कि मास को कैसे डिव। और एक बात ध्यान दीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्सिया एक्सिस के लोकेशन पर भी डिपेंड कर, अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया अलग अलग होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो अब इसी को हम सब लोग आगे मोमेंट ऑफ इनर्सिया को बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं। ढेर सारी इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, ढेर सारी इसके कॉन्सेप्ट होंगे जिसको हम सब लोग डिटेल में करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्सिया आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्सिया भी इंपॉर्टेंट है और मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हम सब लोग डिटेल में आगे करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही कर रहे हैं। आप सब लोग हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों में शेयर करें, और भी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, हम आपको और भी अच्छे से सारी चीजें डिलीवर कर सकें, मैक्सिमम चीजें हम आप तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।